हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ आर्ट्स। हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ये जो पेज लिया है मैंने, ये कोई एक रफ कार्ड है, उसको मैंने बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने मास्किंग टेप लगाया, अब मैं ये जो मेरे पास पुरानी सीडी रखी थी इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब हर चीज़ हम रीयूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं गाउच पेंटिंग की तरह पूरी तरह से इसको कवर कर लूँगी, मतलब कहीं कहीं स्पेस कवर कर लूँगी। फिर हम उसमें जो हमें फ्लावर्स बनाने हैं वो हम बनाएंगे। तो आप कोई भी कलर का बेस कलर लेके आप, मतलब डार्क कलर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से डार्क कलर से हम बेस को पेंट कर लेंगे, और पूरा नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह में करेंगे। और फिर देखिए, मैंने ब्रश में मर्जेंटा और वाइट कलर दोनों एक साथ लिया है, और मैं किस तरह से स्ट्रोक लगाऊंगी वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप फ्लावर ना बहुत इजीली बना पाओगे, रोज़ फ्लावर भी बना पाओगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो कलर है उसमें मैं जिस तरह से स्ट्रोक ले रही हूँ वो मैं एक्चुअली डायंथस फ्लावर बना रही हूँ। डायंथस फ्लावर कैसा होता है मैं ये यहाँ पर साइड में लगा दूँगी, आप देख लेना। तो ये बन रहा है फ्लावर, और आप भी ट्राई करते जाइए ना। आप लेके बैठिए पेंट ब्रश अपने साथ, कोई भी पेज ले लीजिए, आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो आप सीखते भी जाएंगे, और स्ट्रोक कैसे लगाना है वो समझ में आ जाएगा आपको एक्चुअल में। तो ये सब काम करने से ना माइंड बहुत ही रिफ़्रेश हो जाता है। स्पेशली फ्लावर अपने हाथ से बनाओ तो बहुत ही अपने आप में ही बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जितने भी हमारी क्रिएटिविटी वो बाहर आती जाती है। कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो, बनाते जाइए तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। तो आप भी ट्राई करिए और मेरे साथ शेयर करिए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैंने आपको दे दिया है पहले ही, तो उसमें आप देख लीजिए कहाँ आपको शेयर करना है, तो मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। फिर मास्किंग टेप को निकालने के बाद जो इफ़ेक्ट आता है ना वो बहुत ही मेस्मराइजिंग रहता है। देखिए कितना अच्छा भी लगता है इसको निकालने में, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ रेडी नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।